यदि आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपने सुपर ओवर और मैच टाई का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सुपर ओवर और मैच टाई का मतलब क्या होता है? यदि नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ सुपर ओवर और मैच टाई से रिलेटेड जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैच टाई का मतलब क्या होता है? जब दोनों टीमें बराबर रन बनाती है और सभी 10 बल्लेबाज या तो बाहर हैं या फिर चौथी पारी में बल्लेबाजी करने में असमर्थ हैं, तो इसे टाई कहा जाता है। सुपर ओवर का मतलब क्या होता है? सुपर ओवर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो, जिसे मैच का टाई होना भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन को विजेता घोषित करने में परेशानी होती है, तब सुपर ओवर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर ओवर की शुरुआत 2008 में T20 क्रिकेट मैच में हुई थी और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। सुपर ओवर में प्रत्येक टीम को 6 गेंदें यानी एक ओवर और 2 विकेट मिलती है, यानी दोनों टीमों के बीच एक एक ओवर की पारी खेली जाती है। जो टीम मैच में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करती है वो टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है। सुपर ओवर में किसी भी टीम के 2 विकेट गिरते ही उस टीम की पारी समाप्त हो जाती है। जो टीम सुपर ओवर में जीतती है वही टीम विजेता कहलाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, तब वैसी स्थिति में जिस टीम के द्वारा उस ओवर में अधिक छक्के लगाए जाते हैं वो टीम विजेता बनती है। लेकिन अगर दोनों टीम बराबर छक्के लगाते हैं तो फिर मुख्य मैच में अधिक चौके लगाने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। सुपर ओवर में कोई एक खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काम नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें।